गोरखपुर का चौमुखा विकास हो रहा है, सारी चीज़ें, सारे लोग खुश हैं, इसमें कई इफ बट नहीं है। सर जो महंगाई का जो देख रहे हैं अभी जो स्तर चल रहा है, काफ़ी लोग परेशान है उस पर। आप बात कर रहे थे सिलेंडर पे, आप यह बता दीजिए आज सिलेंडर अगर इतनी वक्त ख़त्म हो जाए और आप जाइए तुरंत पा जाएंगे, और इसके पहले जो सरकारें थी उनके अगर आप जाते थे तो भोर में 3 बजे 2 बजे बच्चे बुजुर्ग और महिलाओं को हम देखते थे 2-2 बजे रात में, जनवरी हो फरवरी हो हैं चाहे बरसात हो किस कोई भी सीजन हो, 2 बजे रात से लाइन लगाते थे और 8 बजते बजते सिलेंडर ख़त्म हो जाता था, फिर अपने घर चले आते थे और उनके घर सिलेंडर पैखाना नहीं बन पा रहा था। और आज के डेट में अगर 8 बजे 12 बजे रात को में ज़रूरत है तो आप जाइए, अगर महंगाई है तो कहीं ना कहीं सुविधा भी है। ऐसा सुविधा नहीं चाहिए कि जो महंगा हो। हाँ ठीक, हम 400 में ले रहे थे, हो सकता है 600 में ले लें, अब 1200 में हम थोड़ी ले लेंगे फिर सिलेंडर। अगर देखा जाए तो तिगुना हो गया। सही है, अब इस दुकान पे हम दुकान चलाते हैं, हम दुकानदार हैं, रोज हम 500-700 कमा के जाते थे, इसमें 100-200 नहीं कमा पाते हैं, महंगाई की देन है। जो पहले हम रिफाइन ले रहे थे 360 रुपये में, और रिफाइन हम ले रहे 140 रुपये में, जो बस हम 40 रुपये ले रहे थे आज 120 का ले रहे हैं, जो सामान हम सस्ते में ले रहे थे आज महंगा हो गया, हम कहाँ से कमाएंगे भैया बताइए अभी। हालांकि हम कट्टर बीजेपी वाले हैं, बीजेपी पूरा मुख्य चौराहा जानती है कि सोनू सिंह की दुकान कट्टर बीजेपी की है, बीजेपी की कार्यालय नाम से मेरी दुकान मशहूर है, एकदम कट्टर बीजेपी है भैया, किसी से पूछ लीजिए पूरे चौराहे पे सोनू सिंह, लेकिन जो सत्य है मैं बोलूँगा। हाँ, मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक हूँ, योगी जी का भक्त हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम वोट बीजेपी को ही देता हूँ हमेशा। तो सर चलिए जमीनी स्तर से हम बात करते हैं, कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में आप बताना चाहेंगे, कोई 2 या 3 योजना उनके बारे में बता दीजिए जो आप तक लाभ पहुंची है। राशन हमको फ्री में मिलता है, और सर कुछ नहीं, और कुछ हमको नहीं फ्री मिलता है। और सर कोई योजनाएं जो हर घर बाथरूम बनवाने का योजना चल रहा है, शौचालय बजवा, हमको नहीं मिला अभी फ्री वाला, नहीं मिला शौचालय, पिताजी को किसान सम्मान निधि पिताजी को मिलती है, लेकिन शौचालय अभी तक हमको नहीं मिला है। अरे भाई एक गांव है जिसे